करना होता है और उसके बाद टीम जो सिलेक्ट हो। हमारे अतिथि और साथ में हमारे वर्दी प्रिंसिपल की मंच पर एक और के बड़ियाल जी जो के इंस्पायर वार्ड के कड़े प्रयास के वजह से 600 से ज्यादा लोग जो थे 600 से ज्यादा नॉमिनेशन हुई तो मैं नॉमिनेशन आए हैं। तो ये प्रयास रहा हमारे प्रिंसिपल साहब का उम्र हुए मैं अपने के प्रदान करें प्लीज। हमारे डीपीओ साहब उनको शोभा रानी जी बैच लगाते हुए कठुआ पीएल थासोर साहब को बुके प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच सर। हुए हेडमास्टर्स मास्टर टीचर्स इस स्कूल के बच्चे इस स्कूल के हेडमास्टर विशेषकर हमारे प्रिंसिपल श्री नंद किशोर सबको खुशामदीद कहता हूं। कड़े प्रयासों के बाद एक मतलब ही यही है कि आए और कौन से आइडियाज जो हैं वो बच्चा आपको दिखेंगे वो एचओडी हैं उन्हीं के साथ और उसके बाद तीसरे जज जो है उसमें एक और जज जो कि डिपार्टमेंट वो हमारे पास यहां अपने साथ की तरफ से या जहां पर जितने भी लोग बैठे हुए उनकी तरफ से आपका अभिनंदन भी करता हूं। शिवसाहब को मैं वो हालांकि औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा तो नहीं हो पाई और हमारे प्रिंसिपल वो कोविड की वजह से हम बहुत माध्यम को इसके साथ साथ विद्या प्रवेश को भी इंट्रोड्यूस किया। विद्या प्रवेश को मतलब ही करते जो है दूसरे बच्चों के साथ जो मैच कर रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हम तो ये हमारे लिए गौरव की बात है उसे और लाइव में जिंदगी करवाए हमेशा तो डेवरेशन कर लेते आगे हम एक सम्मानित करते हैं नई प्रोग्राम आए हैं और अगर भगवान ने चाहा तो हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे प्रयास करते रहेंगे ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ को जो एजुकेशन का हमारा जो नक्शा है उसके ऊपर हम जो 20 डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर हम टॉप पे लेके जा सकें। हालांकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले भी एक्सेल कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है हम चाहते हैं कि और ऊंचाइयों का हम छुएं। तो आप सब लोगों का कोऑपरेशन हमेशा हमें चाहिए और आपकी ब्लेसिंग हमें चाहिए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वहाँ ऑर्गेनाइजर होंगे SCERT की तरफ से तो इनका काम हमसे कहीं ज़्यादा है जो है उनकी गाइडेंस से वो कंसेप्ट्स लिखते हैं। और देखिए बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे पास तकरीबन 1250 स्कूल डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है और ऐसे ही सांबा में भी बहुत सारे स्कूल होंगे उसमें से सिर्फ 58 स्कूल्स के बच्चों को ये अवार्ड मिला है। अब ये बच्चे वाकई ही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपने जो मेंटर्स हैं उनकी गाइडेंस के साथ ये महारत हासिल है इनको कि भाई इनको चुना गया है इसके लिए और 17 बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सांबा से भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है उस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आके उन बच्चों के लिए खासकर जो दूसरे ज़िला से यहाँ आए हैं। तो इन बच्चों को जो ये मॉडल लेके आए हैं इसमें सब वर्किंग मॉडल होते हैं बच्चे को अपने मॉडल की वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि कैसे ये बनाया गया कैसे काम करता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये लो कॉस्ट भी होने चाहिए इस पर ये नहीं है कि बाहर से खरीद लो ज़्यादा खर्चा हो अपने बनाए हुए मॉडल होने चाहिए। मन जो है वो घटाना समझे इसमें कि मैं फर्स्ट नहीं आया आप लोग सब
वेलकम करता हूँ, तो वो एक इसके साथ फाउंडेशन से कहते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गाइड के हैं श्री के पड़ियाल जी HOD, श्रीमती शशि मैडम जी HOD और श्री बलवंत राज जी सीनियर। अपने दिल से बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके जितने भी मॉडल जो जितने भी थीम्स या राइट अप्स या उसको मॉडल को जैसे हमारे DPO साहब ने कह दिया कि लो कास्ट जो भी आपकी लिमिटेशन जो हैं इसमें कि वो फाइनेंस की और रिगार्डिंग अदर रिसर्च वर्क और हमारे आपने जंग माइंड्स को इन्वॉल्व करके नई इनोवेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे रिस्पेक्टेड डाइट प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि उसमें आप बच्चे के एकेडमिक के साथ साथ इनोवेशंस और साथ में स्किल डेवलप करने का उसमें प्रावधान है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए भी, अपने लेवलीहुड के लिए भी वो सर्वाइव कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए मैं सभी टीचर साहबान का और हमारे प्रिंसिपल साहबान का और स्पेशली दोज हु आर माय गेस्ट फ्रॉम द सांबा डिस्ट्रिक्ट डाइट HODs काशिप जी आए हैं, उनके साथ ये मैडम जी मुझे नाम नहीं, ये जंग लोग हैं, अब हम तो पुराने हो गए इतना याद भी नहीं रहता है। मैं सभी का दिल के गहराई से आपका सभी का वेलकम करता हूँ। दो मॉडल है सर, दो ही बच्चे एक मॉडल के साथ लेते हैं जी। एम एस बाल कैसे बताएंगे आप लंच का? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, तो हर साल जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल को और ख़ुद को रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, और फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो उनमें से मॉडल जो है वो सिलेक्ट करता है, और फिर उन स्कूलों को और उन बच्चों को जो है वो इन्वाइट किया जाता है, और हर साल जो है ये इंस्पायर अवार्ड जो एग्जीबिशन है वो लगाई जाती है। तो इसमें इस बार हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन कोई 58 के करीब जो है वो स्कूल हैं जो रजिस्टर हुए हैं और जिनको इनवाइट किया गया है इस एग्जीबिशन के लिए, और साथ ही साथ इस साल हमारे साथ सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी क्लब किया गया है, और 17 स्कूल वहां से आए हुए हैं और कुल मिलाकर 75 स्कूल हैं, 75 के करीब स्कूल हैं जो जहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं। और इसका मेन मकसद जो है इस ट्रेनिंग का, इसमें बच्चों का जो है उसमें उनको क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएट करना है, ताकि वो नई क्रिएटिविटी और उनमें इनोवेशन जो है वो इनकलकेट की जाए। तो ये जो इंस्पायर अवार्ड मानक जो है वो स्टार्ट किया गया था 2008 में, और 2009-10 में पहले इसको शुरू किया था, और अब तक ये अवार्ड 12-13 साल हो गए हैं, जिसके तहत जो है इस तरह की एग्जीबिशन जो है वो हम हर साल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं। और सर ये जितना भी जो डाइट का जो फंक्शन होता है, इस हमारी डाइट जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो इसको डाइट कठुआ जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के, सांबर कठुआ को मिला के ये जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया बंधुओं का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे बच्चों के लिए कवरेज की। इसमें यह है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये दो डिस्ट्रिक्ट की एग्जीबिशन है इंस्पायर अवार्ड, इसको मानिक अवार्ड भी कहते हैं, और ये 2008 से प्रोग्राम चल रहा है जिनमें बच्चों में जो हमारे यंग माइंड्स हैं उनमें इनोवेशन लाने का एक अच्छा प्लेटफार्म है। और आज जहां चकशेका मिडिल स्कूल में हमारे सांबा के 17 मॉडल आए हैं और 58 मॉडल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये एक कलेबोरेशन में जहाँ एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज की है हमारे डाइट प्रिंसिपल बसोली की तरफ से, तो हमने देखा जहाँ कि बच्चों ने बहुत अच्छी इनोवेशन और बहुत अच्छे आइडिया एक्सप्लोर किए हैं इन कोऑपरेशन विद देयर मेंटर टीचर। तो आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि जहाँ से हमारा एजुकेशन सेक्टर में अब
स्किल बेस्ड बच्चों को लर्निंग है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में भी इसकी इनकॉर्पोरेशन है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे इनोवेशन हैं, चाहे बच्चे में जो स्किल है उसको एक्सप्लोर करने का ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।